स्मेल की, तो उसके बिना पे एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम आ रही है। यस मैम। यस जी, मैम। तो तीन किस्म के होते हैं, एक तो होता है अचीवमेंट, एक होता है एप्टीट्यूड और एक होता है एटीट्यूड। तो पहले हम देखेंगे कि अचीवमेंट क्या होता है, ये सिफत के बिना पे है, एट्रीब्यूट। समझा, ये बात समझ में आई आप लोगों को? सिफत के बिना पे होता है, मतलब हम क्या जांच करना चाहते हैं, हम उनका अचीवमेंट देखना चाहते हैं, भाई उन्होंने क्या, उनकी तालीमी कारकर्दगी हुई है और उन्होंने क्या अभी तक सीखा है, जो अचीवमेंट है मतलब हुसूलियाबी है, उन्होंने क्या हासिल किया, हम वो देखना चाह रहे हैं, या एप्टीट्यूड देखना चाह रहे हैं, या हम एटीट्यूड उनका देखना चाह रहे हैं। तो ये इस बिना पे ये तीन किस्म के होते हैं इसमें। तो अचीवमेंट जो होता है उसमें जनरली जो भी हमारे तालीमी कारकर्दगी होती है, जो भी अकेडमिक एक्टिविटी या अकेडमिक परफॉर्मेंस जो भी हमने किया होता है, उसको अलग अलग तरीकों से जांचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम टेस्ट के जरिए देखेंगे, हम कुछ प्रोजेक्ट दे देंगे, कुछ असाइनमेंट दे देंगे या सेमिनार दे देंगे, तो इसके जरिए मैं या आप एज अ टीचर हम ये जांच करेंगे कि भाई बच्चों ने कितना सीखा है और उन्होंने क्या उनकी कारकर्दगी हुई है अभी तक, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में, जो भी। ठीक है, तो और अच्छा, इसके अलावा इस टीचर जो है वो ऑब्जर्व भी कर सकता है, मुशाहिदा करके भी कर सकता है, बेंचमार्क असेसमेंट जो होता है, जो एक यूनिट के आखिर में होता है, उसके जरिए भी हम कर सकते हैं। कुछ एक क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव जो असेसमेंट होता है उसके जरिए भी हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये तरीके हैं किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं स्टूडेंट्स के अचीवमेंट की। होता है ये अचीवमेंट टेस्ट होता है जो अलग अलग तरीकों से हम करते हैं। तो ये में इस बात एक टीचर को ये इस बात का तायुन करने में मदद करता है कि भाई मतलब कौन सी चीज है जो काम कर रही है, मतलब वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, या उसके टीचर की जो टेक्निक है, कौन सी टेक्निक है, कौन सा तरीका है जो काम कर रहा है और कौन सा तरीका है जो काम नहीं कर रहा है। चूंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट अच्छा हो, हर टीचर चाहता है कि मैंने जो पढ़ाया है, मैंने जो बच्चों को सिखाया है वो उनको समझ में आए और एक बेहतरीन जो नतायज है वो उभर कर सामने आए। मतलब जस्ट टाइम ऐसा ना हो कि भाई टीचर का टाइम भी वेस्ट हुआ और स्टूडेंट का टाइम भी वेस्ट हुआ, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे नतायज सामने हो, तो हम वही काम करेंगे जो फायदा मंद हो रहा है, जो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहा है। अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई इफेक्टिवनेस कुछ भी नहीं है हमारी टीचिंग में और जस्ट टाइम पास हो रहा है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये जांच की जाती है कि कौन सी चीजें काम कर रही है, कौन सी टेक्निक है, कौन सा तरीका है वो काम कर रहा है और कौन सा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए। Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Ma'am, कोई वेट कर रहा है शायद। नहीं 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 मैं एक्सेप्ट एडमिट कर रही हूँ, कोई भी नहीं। Yes, ma'am, clear. ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एप्टीट्यूड। तो पहले आप लोग मुझे बताइए कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड मतलब, चूंकि दो अलग अलग वर्ड है तो दोनों एक नहीं हो सकते, तो आप लोग क्या समझते हैं? हम अक्सर कहते हैं अरे बहुत एटीट्यूड वाला है वो, या वो बहुत एटीट्यूड वाली है, अक्सर हम ऐसे उसको इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। इस वर्ड से आप क्या समझते हो, क्यों इस्तेमाल करते हो, बताइए। एटीट्यूड लाइक पसंद नापसंद से ही है कि किसी को कोई खेल पसंद है तो किसी को मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये अपने अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात है कि सबको अलग अलग चीज़ जो है पसंद होता है। और एटीट्यूड की बात करें तो रुझान, कि आपका रुझान क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में आप महारत हैं नहीं है, क्या रुझान है, इसमें हम लोग इसमें देखते हैं एटीट्यूड में। जी,
मतलब कुछ कुछ आपको आइडिया है कि भाई एप्टीट्यूड अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है, आपको कुछ कुछ आइडिया है। तो अच्छा ये बताइए कि बीएड में एडमिशन लेने से पहले आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, सभी लोगों ने यस दिया होगा राइट? या हाँ, तो वो क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है या एटीट्यूड टेस्ट है? एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड एग्जैक्टली, वो एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जब कोई भी हमें प्रोग्राम शुरू करना है तो उसके शुरू में ये टेस्ट लिया जाता है, ये जांचने के लिए कि भाई हम में हम कितनी इस्तेदाद है या हमारा रुझान कितना है उस तरफ, राइट? अगर मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट है और उसने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया और जो मिनिमम क्राइटेरिया था उतना भी उसने हासिल नहीं कर सका, मान लीजिए कि 100 में से आपको 50% मार्क्स से 50 मार्क्स आपको हासिल करने थे और उसने जस्ट 30-35 मार्क्स हासिल किया है, तो क्या यहाँ पे उस बच्चे को बीएड में एडमिशन देना सही रहेगा? नहीं, क्योंकि उसका तो रुझान ही नहीं है उस तरफ। जब तक हमारा, हम कोई भी चीज करते हैं, मेरा मन नहीं है करने का तो हम नहीं करते हैं, बिना मन के अगर हम कोई चीज करेंगे तो वो उतना सक्सेस नहीं होता है, उतना इफेक्टिव नहीं होता है। हमारा रुझान है या नहीं है, इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो भी एल्गोरिथमिक से आते हैं, कितने सही है, हम में कितनी काबिलियत है, हम में कितना रुझान है किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके। जैसे देखेंगे तो ये पेशन गोई जो होती है ना, जो प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर का, बताता है कि भाई मुस्तकबिल में इस जो पर्टिकुलर स्टूडेंट, अच्छा मान लीजिए कि 50% मार्क्स है, दो स्टूडेंट, एक ने 100 में से 90% हासिल किया, एक ने 100 मार्क्स से मान लीजिए कि 60% हासिल किया है या 60 मार्क्स हासिल किया है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, भाई जिसका 90% मतलब उसका एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, उसका बहुत ज्यादा रुझान है यहाँ पे एजुकेशन की तरफ, बीएड की तरफ, तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में उसकी आपका आवाज कट रही है मैम। बात। आवाज नहीं आ रही है। तो अगर तो हमने मेम आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। मैम आपका आवाज में प्रॉब्लम है, देखे ना तो मैम आवाज ही नहीं आ रही। नेटवर्क हेलो यस जी मैम। यस मैम। ठीक है, फिर तो से बोलिए मैम, एप्टीट्यूड, कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि आवाज हाँ नहीं आ हाँ रहा था जी, आपका। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ये जनरली किसी भी प्रोग्राम से पहले या ये जांचने के लिए किया जाता है कि भाई उस पर्टिकुलर प्रोग्राम या उस खास चीज के लिए हमारा रुझान कितना है, हम कितना उसकी तरफ है। और ये एक तरीके से कैसा रहता है कि जो पेशगोई करता है, पेशन गोई करता है मुस्तकबिल की हमारी कारकर्दगियों पे, मतलब अगर हमारा रुझान ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि मुस्तकबिल में जो भी हमारी तालीमी कारकर्दगी होगी वो अच्छी होगी। अगर हमारा रुझान कम है, एवरेज है, ओके ओके के जैसा है, तो हमारी जो कारकर्दगी है वो भी उसी तरीके से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली एप्टीट्यूड को जो जांच करने के लिए जो भी टेस्ट होते हैं वो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे अगर एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर हमें देखना है तो वो अलग होगा, इंटेलिजेंस के लिए देखना है तो वो अलग होगा, और इसके अलावा और कोई अगर पर्सनैलिटी का हमें देखना है या कोई और चीज है जो एप्टीट्यूड मेजर करता है, तो हर एक चीज के लिए, जिस चीज का लिए हमें एप्टीट्यूड देखना है उसका जो टेस्ट होता है या किस तरीके से हमें जांच करनी है वो अलग होता है, और उससे दोनों से हो सकते हैं, टीचर भी बना सकता है और जो मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल होते हैं तरीके से भी वो हो सकते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही है।
मुझे तो आप लोगों की आवाज एकदम साफ समझ में आ रही है, फैन चल रहा है, हवा आ रही है, मुझे वो तक भी सुनाई मैम आ रही है, मैम आवाज आ रही है, क्लियर आ रही आवाज कट के आ रही है। है। अच्छा, तो हो सकता है कि कुछ हो गया होगा, मुझे यहाँ से तो एकदम क्लियर आपकी सबकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है एटीट्यूड है, तो आम बोलचाल की जो जबान होती है उसमें, यानी इन जनरल अगर हम बात करें, सादी सी जबान में बात करें, तो एटीट्यूड जो होता है वो हमारी पसंद और नापसंद पे डिपेंड होता है। जनरली रवैया कहते हैं हम, एटीट्यूड का ट्रांसलेशन जो होता है रवैया होता है, लेकिन जब साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, चूंकि ये साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो इसलिए जो साइकोलॉजिस्ट है, जो साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट है, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश की है, बट ज्यादातर लोग जो है वो ये कहते हैं कि एटीट्यूड का मतलब रवैया होता है या झुकाव होता है। अब अगर हमें कोई चीज पसंद है तो जाहिर सी बात है कि हमारा रवैया उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। मुझे अगर कोई लड़का है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो सबके रिस्पेक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा एटीट्यूड उसकी तरफ अच्छा होगा। नहीं, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत सिंसियर है, ये सारी चीजें होगी, मेरा रवैया उससे बहुत मुस्बत रहेगा। सभी टीचर्स की इज्जत करता है, जो भी काम, जो भी टास्क दिया जाए, चाहे वो असाइनमेंट हो या जो भी हो, टीचिंग प्रैक्टिस का काम हो, वक्त पे काम होता है, बहुत पंक्चुअल है, तो ये मेरा एटीट्यूड है उसके टाइम, वो मेरी पसंद है जो मुस्बत में है। उसके ही बरखिलाफ अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास नहीं आ रहा है, या क्लास में आने के बावजूद कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, आवाज निकाल रहा है, फोन बज रहा है, जिससे दूसरे स्टूडेंट भी जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा एटीट्यूड जो है वो निगेटिव तरफ चला जाता है, जो हमारा झुकाव है, रवैया, वो निगेटिव तरफ चले जाता है। तो ये हमारी पसंद और नापसंद पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक इमोशनल प्रोसेस है, जज्बाती अमल है, मतलब किसी चीज के बारे में अपने ख्याल को इजहार करना, या ख्याल करना या बताना कि भाई ये ऐसा है, पॉजिटिव तरफ है, निगेटिव की तरफ है, जो भी है हमारी पसंद है नापसंद है। और फिर उसके बाद यानी अपनी ख्वाहिशात का भी इजहार करता है इंसान इसमें, जैसे मुझे ये चीज पसंद है, मुझे यहाँ जाना पसंद है, ये मेरा एटीट्यूड है, मुझे ऐसे नहीं पसंद है, होता है लोगों के लिए जो हमारी पसंद और नापसंद होती है। इज इट क्लियर? ये किसी हर एक शख्स का अपना एक एटीट्यूड होता है, सिर्फ हम जनरली एटीट्यूड को निगेटिव मीनिंग में लेते हैं कि अरे उसमें बहुत एटीट्यूड है, तो मतलब हम उसको निगेटिव मीनिंग में लेते हैं, क्योंकि हम ये चीज एक्चुअली उसकी नहीं है, ये चीज जो एटीट्यूड है ये हमारा अपना है। हम सोचते हैं ना कि सामने वाला शख्स में एटीट्यूड है, बल्कि ये चीज नहीं है, जो एटीट्यूड जो ये हमारा अपना पर्सनल है, ये हमारा अपना जज्बाती होता है, जज्बात का होता है, ये हमारे अपने अंदर का होता है, कि हमारा एटीट्यूड उसके तई पॉजिटिव है या निगेटिव है। सामने वाले का एटीट्यूड पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, ये यहाँ पे हम अपनी पसंद का, सामने वाले की क्या पसंद नापसंद है और क्या उसके ख्वाहिशात है, वो चीज नहीं, यहाँ पे ये हमारा अपना है, सेल्फ है। अगर किसी में एटीट्यूड है हम कहेंगे, तो उसका मतलब ये है कि हमारा एटीट्यूड उसके तई मनफी है, या हमारा एटीट्यूड उसके तई, सामने वाले शख्स के तई मुस्बत है, पॉजिटिव है, तो ये दूसरों का नहीं, हम इन जनरल इसको निगेटिव सेंस में लेते हैं और सामने वाले पे। इज इट क्लियर? यस मैम। जी मैम। जी, यस मैम। तो नेक्स्ट है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर, मतलब किस किस्म की मालूमात हासिल की जा रही है टेस्ट के, असेसमेंट के जरिए, तो उसके बिना पे ये दो टाइप के होते हैं, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जैसा नाम है, क्वालिटी है, इसमें क्वालिटीज होती हैं, मियार होते हैं, इसमें मियार देखा जाता है, अच्छा है, बुरा है, एवरेज है, ये सारी चीजें होती है, इसमें नंबर या जो आदाद होते हैं वो शामिल नहीं होते, मतलब क्वांटिटी नहीं होती, क्वालिटीज होती है। और जनरली क्वालिटेटिव असेसमेंट को बयान करने के लिए हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे चाहे 60% आया हो, चाहे 90% आया हो, हम इस्तेमाल करते हैं पास है, पास
पास से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि 60% आया है या 90% आया। तो यहाँ पे नंबर की बजाय हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, या परफॉर्मेंस गुड है और रेट नहीं कर रहे हम उसको, नंबर में कन्वर्ट अभी नहीं कर रहे हम, जस्ट क्वालिटी में उसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव असेसमेंट जो लिया जाता है तो या तो रिटन फॉर्म में होगा जहाँ पे सेंटेंस होंगे, या फिर कुछ जैसे पिक्चर्स होगी, पिक्चर देख के भी कहा जाता है लोगों से कि इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या नजर आ रहा है आप बताइए, या टीचर के जरिए जो भी ऑब्जर्वेशन होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जैसे मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन होता है, तो सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन हम तब करते हैं जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला कितना जानता है, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि मतलब इंटरव्यू जैसे सिचुएशन पे वो सामने जो जिस पे बैठा है, जनरली उसको हॉट सीट कहते हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो देखते हैं 8-10 लोग बैठे हैं, तो हमारी साइकोलॉजी क्या काम करती है उस टाइम, हम किस तरीके से जवाब देते हैं, कोई अगर गलत बात हुई है तो हम बहुत भड़क जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं, तो ये यहाँ पे क्वालिटी मेजर करते हैं हम। या इसके अलावा सेकेंडरी डाटा लेके, या जो पोस्ट कार्ड से क्वेश्चन फॉर्म में रहता है, सवाल नामा होता है जिसे कहते हैं, क्वेश्चनेयर भी कहते हैं, पोस्ट कार्ड भी कहते हैं, या सवाल नामा सेम होता है, तो उसके जरिए हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। यानी जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं हम उन्हें क्वेश्चन देंगे, सवाल देंगे और उनसे कहेंगे कि इन सवाल को अटेम्प्ट करिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि भाई बच्चों ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। तो यहाँ पे हम जो भी चीज, जो भी मालूमात हम इकट्ठा कर रहे हैं वो क्वालिटी के फॉर्म में है, मियार है, क्वालिटीज है उस, अच्छा है बुरा है, ये सारी चीजें जहाँ पे अल्फाज का या लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि क्वांटिटी जो होती है वो इसका अपोजिट होती है। क्वांटिटी में मिकदार बताया जाता है, नंबर्स होते हैं, परसेंटेज होते हैं, और चूंकि इसकी जो जैसे नंबर्स में दिया होता है ना, तो इसकी वजाहत करने में आसानी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि क्वालिटेटिव में हम जैसे ये कहेंगे कि हाँ भाई मैं पास हो गया, तो हमने ये इंफॉर्मेशन दी है, या मैंने आपसे कह दिया कि हाँ आप लोग पास हो गए हैं, तो मतलब ये समझ में नहीं आएगा ना कि भाई पास तो चलो सभी हो गए हैं, बट किसने कितना मार्क्स हासिल किया है, किसने कितनी मेहनत की थी। मार्क्स हासिल करना असल जो होता है वो आपकी अपनी मेहनत होती है, आपने अगर मेहनत की है तो आपको जाहिर सी बात है अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो मेहनत है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट करके आपको परसेंटेज में या मार्क्स के जो ग्रेड होते हैं उसके फॉर्म में आपको दिया जाता है। तो वहाँ यहाँ पे क्वालिटीज जो, मैम वारिस को एडमिट कीजिए मैम, वो बहुत देर से इंतजार कर रहा है। अच्छा, ये 9 बजे की क्लास में 9:30 बजे क्यों आ रहे हैं लोग? मैम को पहले भी ट्राई कर रहे थे, फिर दोस्त है वो भी ट्राई कर रहा था वो। नहीं, जब भी ट्राई कर रहा था मतलब मैं 15 मिनट पहले आप लोगों को देती हूँ ताकि आप लोग जब भी से ही ट्राई करो, तो आधा पौना घंटा तो नहीं लगता है ट्राई होने में, इतना तो नहीं लगता। और अभी तो तकरीबन 37 लोग तो ऐड हो ही गए, मतलब सभी का नेटवर्क अच्छा होगा, तो फिर इतना लेट क्यों हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे मैम हम जो क्वांटिटी है नौ चूंकि पंद्रह बात में जो है कर रहे हैं, तो यहाँ पे चूंकि जैसे मैंने कहा कि जो भी डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं वो अददी होते हैं, जो क्वांटिटीज में होते हैं, और उसका तजिया करने में हमें आसानी होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप सभी लोग पास हो गए हैं, तो ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रही हो, बट अगर मैंने कहा कि भाई फला स्टूडेंट जो है उसने 90% हासिल किया, फला स्टूडेंट ने 80% हासिल किया, फला स्टूडेंट ने 60% हासिल किया, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ या जमा कर रहे हैं हम स्टूडेंट की तरफ से, वो है वो नंबर के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमें उसका तजिया करने में आसानी होती है, चाहे मैथमेटिक्स से हो चाहे स्टैटिस्टिक के तरीके से हो, हमें उसका तजिया करने में आसानी होती है। अगर दोनों में एक डिफरेंस हमेशा आप याद रखिए भाई, अगर क्वालिटेटिव है तो वहां पे लफ्ज या जबान लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, और अगर क्वांटिटेटिव है तो वहां पे अदद का या मिकदार का
मिकदारी होगा वो, इस बिना पे ही हम समझ जाते हैं कि भाई ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। नंबर्स बोले तो जो भी नंबर होता है परसेंटेज में होता है या ग्रेड में होता है, कुछ भी होता है, तो इसके एग्जाम्पल है हम जैसे मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्वेशन। अब मान लीजिए कि मैंने असाइनमेंट आप लोगों को दिया है करने के लिए, तो आप असाइनमेंट है, आप डाइस के पास आ रहे हो, अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये चीज तो नहीं देखूंगी ना कि भाई आपने कितना मटेरियल लेके आया है। जाहिर सी बात है आपने इंटरनेट से लिया होगा, कोई किताब से लिया होगा, वहां से कहीं ना कहीं से तो लिया होगा, बट उसको किस तरीके से आप पेश कर रहे हो और सामने से ऑडियंस में से जो सवाल आ रहे हैं आप उस सवाल को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, आपका अपना जो प्रेजेंटेशन होगा उसको मैं नंबर में कन्वर्ट करूंगी तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। अगर मैं जस्ट ये कहूंगी हाँ बहुत अच्छा है, वेरी गुड, तो ये क्वालिटेटिव शेप, क्वालिटेटिव फॉर्म में हो जाएगा। जनरली हम जो सर्वे करते हैं वो क्वांटिटेटिव में आता है, क्योंकि सर्वे में क्या होता है हम लोगों की राय जानते हैं, यहाँ पे तो राय जानते हैं, तो उनकी जो क्वालिटेटिव जो चीज हमें हासिल होती उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं नंबर में और उसे क्वांटिटेटिव बना देते हैं। तो आमतौर पे सर्वे जो किया जाता है वो क्वांटिटेटिव के लिए होता है। आगे जब आप एमएड में आएंगे और रिसर्च का कुछ पढ़ेंगे, या हो सकता है अभी आपको थोड़ा बहुत हो, मे बी अगले सेमेस्टर में, तो आपको फिर और अच्छे से समझ में आएगा। जनरली जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे में तो हम ये भी तो देखते हैं ना कि भाई फला, जैसे अगर हमें कम्युनिटी कोई वर्क करना है, आप किसी एक एरिया में गए, गोलकुंडा एरिया में गए, गोलकुंडा स्कूल के आसपास के जितने घर हैं वहाँ का हम सर्वे करेंगे कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, जो भी है, और उन्होंने कहाँ तक तालीम हासिल की, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, तो एक तरीके से हम सर्वे कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो हमें इंफॉर्मेशन आएगी तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ कुछ बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कुछ बच्चे पढ़े लिखे हैं, कुछ बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। यहाँ पे हम ये कहेंगे ना कि भाई 60% जो है वो बच्चे स्कूल जाते हैं और 40% बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते हैं। जो नहीं जाते हैं उसकी क्या वजह हो सकती है वो एक अलग बात रहेगी, बट हम यहाँ पे सर्वे करके भी जो भी डेटा हम जमा करते हैं वो क्वांटिटीज में होता है, नंबर मकदार होता है, अदद उसमें शामिल होते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मोड ऑफ रिस्पॉन्स। अब हमें सामने से किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी एज अ टीचर हमें स्टूडेंट्स की तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है उसकी बिना पे भी असेसमेंट हम कर सकते हैं या असेसमेंट हम करते हैं। वो दो किस्म का होता है, एक होता है ओरल और दूसरा होता है रिटन। रिटन जो होता है वो फिर से दो किस्म का होता है, सिलेक्शन और सप्लाई। तो पहले हम ये देखेंगे कि ओरल जो होता है वो क्या होता है। ओरल का मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे ओरल एग्जाम है, ओरल एग्जाम है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को समझाना पड़ेगा। तो ओरल वो होता है जहाँ पे हम जबानी जवाब देते हैं, जैसे टीचर हमसे पूछता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, चलिए आप बताइए, ठीक है, और इंडिया का कैपिटल क्या है, अगर ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, स्कूल के लेवल का अगर सवाल पूछा जा रहा है, और फाइव एनिमल्स के नाम बताओ, या 1 to 10 बताओ, स्पेलिंग के साथ बताओ, इस तरीके से, मतलब जो स्कूल में ओरल एग्जाम छोटी क्लास में लिए जाते हैं, देखा होगा आप लोगों के भी हुए होंगे, तो यहाँ पे ये जबानी लिया जाता है। लेकिन चूंकि ये जो रिटन फॉर्म में नहीं होता है, रिटन फॉर्म में नहीं होता है, जबानी दिया जाता है, तो हो सकता है कि वो नंबर थोड़ा, जो आंसर जो रेस्पॉन्स आ रहे हैं वो थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, मैडम ये होता है, वो होता है, वो होता है, ये होता है, ऐसा होता है, फिर हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो कुछ और चीज भी उसमें ऐड हो जाएगी, तो वो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के और लंबे लंबे हो जाते हैं, खींच के हो जाते हैं। मतलब अगर मुझे एक स्टूडेंट से एक सवाल एक मिनट के लिए पूछना है, तो मान लीजिए कि आप लोग 45 हो, तो अगर एक एक मिनट अगर मुझे करना है तो 45 मिनट्स मुझे लग जाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग।
राइट, वही अगर मैं एक ही सवाल बोर्ड पे लिख दूं और मैं कहूँ कि 2 मिनट के अंदर आप लोगों को इसका जवाब देना है, तो सभी लोग अपने पेपर पे इसका जवाब लिख के मुझे सबमिट कर देंगे, राइट? तो जो ओरल होता है इसमें चूंकि टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए ये रिटन जो एग्जाम होते हैं उसके बराबर ही हो जाते हैं, पैरेलल ही हो जाते हैं। तो ओरल फॉर्म में जैसे जो हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि लंबे हो जाते हैं, हाँ ना, ऐसे कुछ जवाब देने की बजाय ये ओरल जो है हम अपनी राय जो भी हम इजहार कर देते हैं, ये ऐसा है वैसा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये चीजें होती है, उसके ये फायदे होते वो होते, हालांकि एग्जाम लेने हैं मुझे बस 2 मिनट में, लेकिन वो खींच के वो लंबा हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट लेकिन ये उस वक्त काम आता है जब स्कूल के जो बच्चे जो छोटी जमात के होते हैं, जिन्हें अभी ठीक तरीके से लिखना नहीं आता है, ये टेस्ट हम उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि एज अ टीचर हमें सभी चीजें जानना जरूरी है, और कौन से एग्जाम हम किस लेवल के बच्चों के लिए ले रहे हैं ये भी जरूरी है। अब अगर आप एमएड में हो और मैं आपका ओरल एग्जाम लूंगी, तो ये इवेल्युएशन जो हो रहा है या जो हमारा असेसमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है ये सही नहीं है। इज इट क्लियर? और चूंकि हम यहाँ पे स्कोरिंग देते हैं कि भाई हाँ ठीक है, अच्छा आपने जवाब दिया, मुझे आउट ऑफ 20 मार्क्स देना है, आप मेरे पास आए, टेबल के पास आए, मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, मैंने आपका जो भी मार्क्स है वो लिख दिया, और लंबे लंबे भी हो सकते हैं, टाइम भी लग जाएगा। जैसे मैंने कहा कि एक एक मिनट भी लूंगी तो मुझे 45 मिनट्स लग जाएंगे। तो ये ओरल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरी होता है, ये ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, बट किस लेवल के लिए ले रहे हैं या सामने वाला जो रिस्पॉन्स देने वाला है वो किस लेवल का है, उस हिसाब से हमें टूल बनाने हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है आप लोगों को जानना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि भाई मुझे ओरल के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, और मैं 6ठी 7वीं जमात का या 8वीं जमात में मैं पढ़ा रहा हूँ और इतना नहीं है, छोड़ो मैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव या रिटर्न फॉर्म में टेस्ट ले लूंगा, तो उनको हो सकता है कि उतना भी लिखना आया ही नहीं होगा जो उर्दू मीडियम के हैं। हो सकता है कि जो आसान आसान जनवरी फरवरी मार्च ये स्पेलिंग आती होगी, 1 to 20 आती होगी उनको, और 5 एनिमल्स के नाम आते होंगे, बट अगर आप उनको डिक्टेट करो कि प्लीज राइट बेस्ड ऑन मोड ऑफ रिस्पॉन्स ओरल एंड रिटर्न, तो हो सकता है कि उनको वो सारी चीजें लिखने नहीं आएगी। तो ये देखना है कि हमें किसके लिए या कहाँ से हमें रिस्पॉन्स हासिल करना है, या किन लोगों का हम असेसमेंट कर रहे हैं, हमें उस हिसाब से अपने टूल को इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है रिटर्न फॉर्म। रिटर्न फॉर्म जैसे हम जानते हैं कि जो लिख के दिया जाता है, जो एग्जाम जो के बारे में थोड़ा आवाज कट जो करके आ रहा था आपका। जो तहरीरी होता है, आवाज कट के आ रही है, लेकिन आपके सामने स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है ना, पीपीटी दिखाई दे रही है ना आपको? सुनने से ज्यादा याद होता है मैम, देख जी नहीं, सुनने से ज्यादा, आधे से ज्यादा दिमाग कहीं और रहता है। जब हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं तो उसका परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। ओरल एग्जाम एकदम सिंपल है, बस जो हम ओरली जो इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं स्टूडेंट से उनके असेसमेंट के लिए, वो ओरल एग्जाम होता है। वो लंबे हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, तो इसीलिए उसे कहा जाता है कि ओरल एग्जाम इज इक्विवेलेंट टू या पैरेलल टू रिटन एग्जाम, उसके बराबर ही हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ लिखना होता है, बड़े बड़े जवाब ऐसे टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो लिखे जाते हैं, जबकि ओरल में है जो ओरली जो जबानी कहे जाते हैं, ठीक है। रिटन एग्जाम जो होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो सिलेक्शन होता है या मुंतखब करना, या दूसरा जो होता है सप्लाई करना होता है, या जवाब देना या तहरीर करना होता है। क्योंकि रिटन फॉर्म जो होता है वो एक प्रिंटेड फॉर्म में होता है, हो सकता है कि मतलब उसमें कुछ क्वेश्चंस होगा और कोई ग्राफ दिया हुआ है उसके बारे में आपको लिखना है, कोई टेबल है, कोई पिक्चर है, इनमें से सारी चीजें भी हो सकती है, इनमें से कुछ एक दो चीजें भी हो सकती है, ये हमें लिखना होता है। जो पेपर जो आप लोग जो एग्जाम देते, चूंकि आप लोग बीएड के हो, आप लोगों का असेसमेंट करना है, तो मैं आप लोगों का ओरल एग्जाम नहीं लूंगी, मैं आप लोगों का रिटन एग्जाम लूंगी, राइट? क्योंकि आप लोगों का जो लेवल है वो हाई है, सभी लोगों को अच्छे से लिखना पढ़ना बोलना उर्दू अंग्रेजी आती है, कंपेयर टू 5th 6th 7 छोटी जमात के बच्चों से। तो इसलिए मैं आप लोगों का ओरल एग्जाम नहीं लूंगी, मैं आप लोगों का रिटन एग्जाम लूंगी।
तो जैसा कि जो रिटर्न एग्जाम है, जो रिटर्न फॉर्म में जो रहते हैं जहाँ पे लिखने होते हैं, वो तुलबा के मुताबिक ही तैयार किए जाते हैं। अगर आप लोग बीएड के हैं तो आप लोगों के हिसाब से ही सवाल तैयार किए जाएंगे। एमएड के लेवल का अगर है, एमएड के लेवल के जो सवालात है या जो पीएचडी लेवल के जो सवालात है, वो आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आपको आपके लेवल के हिसाब से आपके मुताबिक दिया जाएगा। पांचवी छठी के बच्चों का आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग में मैं मैच द कॉलम नहीं दूंगी, फिल इन द ब्लैंक्स जो है मैं वो नहीं दूंगी। फिल इन द ब्लैंक्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है वो, लेकिन उसका लेवल भी हाई होगा, उसका क्राइटेरिया अलग होगा। मैच तो कॉलम नहीं दूंगी। और जो हिस्ट्री में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो अरेंज करते हैं, पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर लेटेस्ट में कौन सा है, तो ये डिपेंड देखना है हमें कि भाई जिनसे जिनका हमें असेसमेंट करना है वो कैसे हैं, उनका क्या लेवल है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन होंगे। और चूंकि ये यहाँ पे वक्त की बचत हो सकती है, क्योंकि एक ही वक्त में बहुत सारे जो रेस्पॉन्डेंट्स है, जो आप सभी लोग हैं, वो मुझे जवाब दे सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा, इसका जवाब मुझे 15 मिनट के अंदर आप एक पेपर पे लिख के दो। 15 मिनट के अंदर पूरे 45 लोगों ने मुझे लिख के दे दिया, तो यहाँ पे मेरा वक्त भी बच गया। तो जो रिटर्न होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने कहा, फिर से सेलेक्शन होता है या सप्लाई करना होता है। तो सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको जो स्टूडेंट है, जो तुलबा है, तालिबे इल्म है, वो पढ़ता है और उसमें से एक सेलेक्ट करता है जो उसके हिसाब से सही जवाब है। जैसे जो आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में होते हैं, तो वो रिटर्न में सिलेक्शन टाइप का होता है। इज इट क्लियर? मल्टीपल टाइप चॉइस जो एमसीक्यूज आइटम होते हैं, या ट्रू फॉल्स होता है, या मैच द आइटम, या इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं एज ए स्टूडेंट जो है, ये सेलेक्ट करते हैं। इसका एक फायदा ये है कि मतलब कम वक्त में हम बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आपने एग्जाम में आपके देखा होगा 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेट का एग्जाम देने जाते हैं जब, तब वो 50 50 75 इस टाइप के होते हैं, और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में। अगर वो लिखने वाला होगा, अगर सप्लाई देना होगा या रिटन फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, तो हो सकता है कि 3 घंटे में हम 150 100 सवाल के जवाब नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है वो सिलेक्शन में आता है, रिटन के सिलेक्शन कैटेगरी में आता है। कम वक्त में हम बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं, और चूंकि ये बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है, और इसका असेसमेंट जो हमें चेक करना है वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। जनरली जब हम देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि नेट एग्जाम है, टेट एग्जाम है, या सी टेट एग्जाम है, या सेट है, जो भी है एग्जाम, हमें जो सर्कल होता है वो फील करना होता है, गोल 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 जो दायरा होता है ना, उसे भरना होता है। तो जो पेपर चेक करने वाला होता है वो क्या करते हैं, वो एक शीट पे आंसर जो है ना, वो चार चार का सर्कल बनाता है, और जो सही आंसर होता है उसको ब्लैंक कर देता है, या उसको जो पंचिंग मशीन होती है आपने देखा होगा, जो साइड में जैसे स्पाइरल बैंडिंग करने के लिए जो पंच होल करते हैं, देखा है आपने या नहीं देखा है? तो देखा है जी मैम, देखा है। बस जो जो सही जवाब होता है ना उस पे वो पंच कर देता है, और वो जो एक अपनी एक शीट तैयार कर लेता है, जो होल है वो सही जवाब है, और वो हमारी आंसर शीट पे रखता है, और जितने सर्कल उसे दिख के आ रहे हैं वो उसको काउंट करता है और लिख देता है कि फलाने बच्चे को 100 में से उसने 36 क्वेश्चन करेक्ट किया, 45 क्वेश्चन करेक्ट किया, 90 क्वेश्चन करेक्ट हुआ। तो ये चेक भी फटाफट होता है। या स्कैनिंग मशीन जो होती है, अब तो कंप्यूटर के जरिए होता है, बस जो हमारी आंसर शीट जो आपने देखा होगा, टेट वेट सी टेट, किसी ने कोई ऐसा एग्जाम दिया है क्या अभी तक? तो हमारी जो आंसर शीट होती है, क्वेश्चन अलग पेपर पे होता है, और जो सर्कल भरना होता है वो अलग पेपर पे होता है। तो उस शीट को डायरेक्ट वो स्कैनिंग की कोई एक मशीन होती है उस पर रखते हैं, और वो फट से काउंट हो जाता है कि इसमें से सही जवाब लिखना है जी। और ये टेस्ट ओएमआर शीट, एग्जैक्टली जो ओएमआर शीट होती है ना, तो उसको चेक कैसे किया जाता है मैं वो बता रही हूँ। तो ये बहुत आसानी के साथ हम इसको स्कोर कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब हम क्लास में जब मिलेंगे ना, तो मैं आपको एक ऐसे प्रैक्टिकल करके मैं बताऊंगी। ओएमआर शीट तो देखा है, बट उसको चेक कैसे किया जाता है,
ये मैं बताऊंगी, जैसे अगर रिटन नहीं फॉर्म का है, 5 पेज के आपने लिखा है, तो मुझे पूरे 5ों पेज को पढ़ना होगा, चेक करना होगा आपने क्या क्या चीजें लिखी क्या नहीं लिखी, ये टाइम कंज्यूमिंग है। एक एक पेपर को चेक करने 5 मिनट 10 मिनट भी हो सकता है, जबकि सिलेक्शन टाइप वाला जो होता है उसमें इतना टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो सप्लाई टाइप होता है, यहाँ पे सवाल दिया होता है, सवाल पढ़ के स्टूडेंट को जवाब देना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। और सप्लाई टाइप के क्वेश्चन में सबसे अच्छा उसका प्लस पॉइंट ये होता है कि भाई सवाल जो अगर 8 सवाल दिए गए हैं, तो इसमें से आपको आपकी मर्जी के मुताबिक अपने हिसाब से आपने कितना पढ़ा है, किसी भी 5 सवाल को अटेम्प्ट करिए, यहाँ पे ये ऑप्शन होता है। जबकि सिलेक्शन टाइप में होता है कि अगर 100 सवाल है तो आपको 100 सवाल अटेम्प्ट करने, अगर 10 सवाल है तो आपको पूरे 10 के 10 अटेम्प्ट करने, उन 10 में से कोई भी 5 को आप अटेम्प्ट करिए, ये ऑप्शन नहीं होता यहाँ पे। जबकि सप्लाई टाइप जो शॉर्ट आंसर होता है या जो लॉन्ग आंसर होता है, एसे टाइप जिसे हम कहते हैं, वहां पे आप 8 में से किसी भी 5 को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? हेलो मैम। कोई डाउट कुछ? आप लोग जो भी यहाँ पे टेस्ट के इसमें असेसमेंट के बारे में आप पढ़े ना, आप लोग अपने आप से लिंक करिए कि हाँ भाई जो हमें फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आया था उसमें 10 मार्क्स के जो थे वो ऑब्जेक्टिव थे, तो वो सप्लाई सॉरी सिलेक्शन टाइप का हो गया, जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन हमें पूरे 10 के 10 करने हैं, अगर हमारा एक भी गलत हो गया तो फौरन पूरे 1 मार्क्स कट जाएगा। जबकि सप्लाई टाइप में आपने देखा होगा कि सेक्शन बी और सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर में 8 में से आपको कोई 5 करने रहते हैं, और जो सेक्शन सी जो पार्ट होता है वहां पे कोई 3 होता है या 2 में से किसी 1 को करना होता है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन रहता है जो लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर होता है। तो मतलब सिलेक्शन टाइप में भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों पॉइंट्स हैं, सप्लाई टाइप का जो रिटर्न एग्जाम या असेसमेंट होता है उसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। Is it clear? तो विल स्टॉप हियर, और चूंकि आप लोगों का अभी क्लास भी है ना, जी जी ये बताइए कि ये अटेंडेंस